हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज होने के बाद क्या होगा कट ऑफ, यह आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी प्रीलिम्स की उत्तर कुंजी में आपत्ति दर्ज की जाती है तो कुछ प्रश्न डिलीट किए जाते हैं, कुछ प्रश्न जो है उनके उत्तर बदल दिए जाते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक भी सही मान लिए जाते हैं, जैसे कि 2021 की फाइनल आंसर की में आपने देखा। तो इसी प्रकार का जो परिवर्तन है वो फाइनल आंसर की में 2022 की भी देखने को मिल सकता है। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में ऐसे सभी विवादित प्रश्नों के बारे में बता दिया है, लेकिन हमारे पास कुछ नए सोर्सेस हाथ लगे हैं, उपलब्ध हुए हैं, जिससे कि यह कहा जा सकता है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें अभ्यर्थियों के मन मुताबिक बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है, ऐसे में उनको 2, 4, 6 या जितने नंबरों का भी फ़ायदा हो सकता है एमपीपीएससी के गलत उत्तरों पर आपत्ति दर्ज करके, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक्स दी गई हैं, इनको आप ज्वाइन करिए, हमें फॉलो करिए। साथ ही एमपीपीएससी मेंस 2021 प्रीलिम्स 2023, आपको बता दें कि एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एमपीपीएससी सेट एग्ज़ाम, साक्षात्कार 2019, नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा, एमपीएसआई एवं एमपी पुलिस कांस्टेबल सभी भर्तियों के लिए प्रिंसिपल के नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाएं उपलब्ध हैं। सफल मार्गदर्शन से जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप करिए और प्रिंस सर के साथ अपने सपने साकार करिए। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जैसे कि हमेशा ही देखा गया है कि अगर किसी प्रश्न को लेकर एमपीपीएससी के पास कोई उनके रिसोर्सेज उपलब्ध हैं तो हमेशा अपने ही रिसोर्सेज को सही मानते हैं। हालांकि हर प्रश्न में ऐसा नहीं होता है, जैसे कि मैंने अभी 2021 की परीक्षा का उदाहरण दिया, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जिसमें कई किताबों में आपने देखा कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसको एमपीपीएससी ने सही नहीं माना। अब जैसे कि इस प्रश्न को देख लीजिए, एक हमारे हाथ लगा है जो कि एक रिसोर्स है, एक किसी किताब का पन्ना है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें पढ़ने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि सांची में बौद्ध गुफाएं जो हैं वो मौजूद हैं, तो फिर एमपीपीएससी का जो उत्तर है वो डी बल्सार सही हो जाएगा। उस पन्ने को हम देख लेते हैं। अगर आप इस पन्ने को गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सांची है, अगर हम उस जगह की पर्टिकुलर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो पता चलता है कि गुफाएं वहाँ मौजूद हैं और इन गुफाओं का जो प्रयोग है, कहना चाहिए कि हजारों सालों तक हुआ है, और गुफाओं के दृश्यों से ऐसा मालूम चलता है कि इनका उपयोग 17वीं और 18वीं शताब्दी ईस्वी तक होता रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज़ इसके पहले जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें मैंने कहा है कि मैंने भी पढ़ाया है, लेकिन सांची में कभी भी गुफाओं का जिक्र नहीं आया है, ना ही सांची में किसी भी तरह से कोई दर्शनीय स्थल के रूप में ऐसी गुफाएं हैं अजंता या एलोरा की तरह। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इतिहास की पुस्तक है उसका ये पन्ना बता रहा है कि सांची में बौद्ध गुफाएं मौजूद रही हैं, भले ही वो दर्शनीय स्थल हों या ना हों। तो कहीं ना कहीं अब एमपीपीएससी अपना उत्तर बल्सार ही क्या करेगा, उसको मानेगा। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक ये प्रश्न है जिसके बदलने की पूरी उम्मीद है और एक से अधिक उत्तर भी सही होने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? मैंने आपको एक परीक्षा यूजीसी नेट का जिक्र किया था, वो पुनः ओपन कर लेते हैं। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था और कहीं ना कहीं अगर इसको आपत्ति के रूप में हम लगाते हैं तो एमपीपीएससी को ये मानना पड़ेगा कि तीनों ही ए बी सी जो ऑप्शन हैं वो सही हैं, खासकर सी ऑप्शन को सही कंसीडर करना ही पड़ेगा,
क्योंकि ये एक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न के बदलने की पूरी उम्मीद है, यानी कि एक से अधिक उत्तर होने की पूरी उम्मीद है, और ऐसे में वो अभ्यर्थी जिन्होंने सी लगाया है वो +2 हो जाएंगे, और ऐसे में +2 यानी कि 2 नंबरों का फ़ायदा आप सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न से हो सकता है। मैं आपको ऐसे ही प्रश्न और साथ में ऐसे ही उनके प्रूफ्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको काटा नहीं जा सकता है, और अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि आखिर MPPSC किन प्रश्नों के उत्तर बदल सकता है, डिलीट कर सकता है या एक से अधिक सही मान सकता है। यह एक संभावना मात्र है। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? देखिए, जो भी डेटा अवेलेबल है कोयले के उत्पादन के संबंध में, उसमें जहाँ भी तीसरा दिया हुआ है वहाँ पर एक वर्ड सकल नहीं दिया हुआ है। इस प्रश्न में सकल उत्पादन की बात की गई है, कोयले के सकल उत्पादन की। सकल को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रॉस, और ग्रॉस जो टर्म होती है ये इनकम से संबंधित होती है, और कहीं ना कहीं अगर सकल का मतलब ग्रॉस का मतलब अगर अलग है, जैसे कि बच्चों का कहना है कि तीसरा है और कई बच्चे चौथा भी कह रहे हैं, क्योंकि दोनों के ही जो है ऑथेंटिक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन जिसमें तीसरा है उसमें सकल वर्ड नहीं है, और जिसमें चौथा है उसमें सकल यानी कि सकल उत्पादन अवेलेबल है। तो देखिए, ग्रॉस जो टर्म होती है वो आपकी इनकम से रिलेटेड होती है, और अगर हम उस टर्मोलॉजी पर जाएं तो कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमी है उससे जोड़कर अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि इसमें कुछ अंतर हो सकता है, बिकॉज एक ही जगह आप कह सकते हैं कि सकल लिखना और फिर उसके बाद दूसरी जगह आप देख रहे हैं कि सकल नहीं लिखा है वहाँ पर तीसरा है, और जहाँ सकल लिखा है वहाँ चौथा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये एक टेक्निकल टर्म है इकोनॉमी की, जिसकी वजह से ये अंतर आ रहा है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि MPPSC इसका उत्तर चेंज करता है या नहीं, क्योंकि दोनों के ही हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और दोनों ही जो है अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जो टर्म सकल है ग्रॉस है वो तीसरे स्थान वाले जो भी रिसोर्सेज हैं उनमें ये गायब है। तो ये प्रश्न, इस पर आपत्ति ज़रूर लगेगी, लेकिन ये देखना होगा, क्योंकि इन प्रश्नों में तीसरा मानना या चौथा मानना, ये ऐसे प्रश्न नहीं है जिसमें कि एक से अधिक ऑप्शन मान लिए जाएं, क्योंकि स्थान पूछा गया है। फिर भी देखते हैं क्या होता है। एक ये प्रश्न है, इसमें निश्चित रूप से ऑप्शन बदलना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न एक परीक्षा में पहले ही पूछा गया है और उसमें शॉट की डायोड को सही माना है। देख लेते हैं कौन सी परीक्षा है। ये प्रश्न DRDO की परीक्षा में 2009 में पूछा गया था, और आप देख सकते हैं पूछा गया था द करेक्ट मैच बिटवीन द फॉलोइंग टू कॉलम्स इज। तो यहाँ पर उन्होंने आंसर डी यानी कि जो आपका शॉट की डायोड है इसको सही माना, और कह रहे हैं कि हाई स्पीड स्विचिंग जो है इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से ये जो आपका शॉर्ट की डायोड वाला उत्तर है ये एक पिछली परीक्षा में पूछा गया और इसको सही माना गया, तो इसमें बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। ये प्रश्न मेरे अनुसार अनचेंज रहेगा। इस प्रश्न पर भी काफ़ी विवाद है, और आज जो हमें सोर्स इसको लेकर प्राप्त हुआ है उसमें दिया है कि इसकी शुरुआत 7 अगस्त 1942 को हुई थी, तो एक और कन्फ्यूज़न आ गया। बट मेरा फ्रेंकली ये कहना है कि MPPSC को ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक, इवन अभी भी किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे जिसके सिलेबस में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो वो 8 अगस्त 1942 ही कहेगा, ना वो 7 कहेगा, ना वो 9 कहेगा। एक बार हम इसका जो एक नया रिसोर्स मिला है वो देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में आ जाइए, लेफ्ट साइड में देखिए 7 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालिया टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और बता रहे हैं इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। नेहरू ने भारत छोड़ो
प्रस्ताव पेश किया, जिसको थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। अब 8 अगस्त की मध्यरात्रि के बाद ही सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई और 9 अगस्त की सुबह ही जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तो अब यहाँ पर 7 अगस्त जिसमें कि आप कह सकते हैं कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, 8 अगस्त को ये प्रस्ताव पारित मान लिया गया और 9 अगस्त को गिरफ्तारी हुई। तो अब किससे माना जाए कि 7 अगस्त को शुरू हुआ या 9 अगस्त को शुरू हुआ? जनरली मैंने देखिए इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने कहा था कि 9 अगस्त ही होना चाहिए क्योंकि 8 अगस्त में प्रस्ताव पारित हुआ, तो प्रस्ताव पारित होने के बाद ही कोई चीज़ शुरू होगी। फिर भी इसमें डेट दी हुई है, 7 अगस्त लिखा हुआ है, तो ऐसा ना हो कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ना हो और MBBSC कुछ और सही मान ले। आई होप 9 अगस्त ही सही मानेंगे, लेकिन इस प्रश्न को डिलीट किया जाना चाहिए क्योंकि हर एक पुस्तक में 8 अगस्त 1942 दिया हुआ है और मुझे लगता है आप मेरी बात से सहमत होंगे। इस प्रश्न की बात करें तो मुझे लगता है कि ये अनचेंज रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन MBBSC नहीं करेगा, क्योंकि इसको ऐसे देखिए कि डी ऑप्शन जो है उसमें कह रहा है वो सभी कथन सही हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि विवाद कहाँ है। इसमें मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बता रहा हूँ कि MBBSC कैसे किन चीज़ों को कंसीडर करता आ रहा है और उसी के अनुसार मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा अंतर है, वो जो था उसमें परसेप्शन ये था कि ये विवादित हैं, ये जो वीडियो है इसमें परसेप्शन ये है कि MBBSC इन प्रश्नों को कैसे ट्रीट करे। तो डी ऑप्शन जो है इसमें ये कह रहा है कि सभी कथन सही हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि सभी कथन सही नहीं है। तो सी ऑप्शन विल बी राइट, यानी कि MBBSC जो है सी को ही सही मानेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रश्न भी अनचेंज रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि प्रश्न में अरब लेखक से मतलब जो है वो भाषा से है, लैंग्वेज से है, और जिस यहाँ पर शासक की बात हो रही है तो कुल मिलाकर बात ये है कि हम इस पर फोकस करें कि किसने उनके बारे में लिखा था, और वो एक ही है इस ऑप्शन में, बाकी नहीं है, और अरबी भाषा के वो जानकार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, यहाँ पे एक ये प्रश्न भी है जो कि काफ़ी विवादित है, लेकिन आपको बता दें कि इंटरनेट पर कहीं भी इसका जो आंसर है वो पीपल नहीं मिल रहा है। इसका आंसर जो है वो एबिलिटी ही सही है। हालांकि कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि ये किसी परीक्षा में पहले पूछा गया था, लेकिन अभी तक उस परीक्षा का अता पता नहीं है, हो सकता है किसी ने हवा में ही बोल दिया होगा। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। कारण यही है कि इसके पहले जो दो प्रश्न मैंने आपको बताया, एक DRDO में आया, एक UGC नेट में आया, अगर किसी और एग्ज़ाम में आया होता तो अभी तक पता चल गया होता। इसलिए किसी भी चीज़ की तहकीकात के बिना नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। नेट पर आप आंसर सर्च करेंगे तो एबिलिटी ही मिलेगा, और मुझे लगता है ये अनचेंज्ड रहेगा। एक यह भी प्रश्न है जिसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्वयं वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो कुछ और ही लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, इस पर लिखा हुआ है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन February 15, 1994 विद द अजम्पशन ऑफ ऑफिस बाय द फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो देखिए आपको बता दें इसके ऊपर लिखा है कि जो इसका कहना चाहिए था, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड वाइड द नोटिफिकेशन डेटेड February 1, 1994। तो देखिए ये तो इसका संविधान जो है बनाया गया था, आप कह सकते हैं कि जब भी कोई संस्था स्थापित की जाती है तो उसके लिए एक्ट बनाया जाता है, तो ये उसकी बात हो रही। और जो एक्ट बनने के बाद
एग्जिस्टेंस जिसको आप कहते हैं वो, क्योंकि पूछा क्या गया है प्रश्न में, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन कम इनटू एग्जिस्टेंस पूछा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं पूछा है। तो यहाँ पर हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन देखना होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वहाँ पर ही दिया गया है। एक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है जिसमें फ़र्क समझना होगा। अगर आप आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का एक्ट पहले आया, फिर उसकी स्थापना हुई। इसी तरह से चाहे आप सेबी की बात करें या किसी भी अन्य संस्था की बात करें, एक्ट पहले बनता है फिर संस्था की स्थापना होती है। आप समझ गए होंगे, पहले कानून फिर उसके बाद वो स्थापित होगी। तो यहाँ पर ये भी डिलीट हो सकता है, इस प्रश्न को डिलीट किया जा सकता है, ध्यान दीजिए। तो ये प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया है कि देखिए इसमें डी ऑप्शन ही सही है। आपको मैंने बता दिया है कि सांची नहीं होगा, वलसाड़ ही सही है, और ये बता चुका हूँ। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि ये अनचेंज्ड रहेगा। इसमें भी ये देखना होगा कि 9 अगस्त ही सही माना जाता है या इसको डिलीट करते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्न पूछने से बचना चाहिए, बट फिर भी 9 अगस्त 1942 की ज़्यादा संभावना दिख रही है। तीसरा जो है इसके बारे में भी मैंने चर्चा कर ली है, शायद ये अनचेंज्ड रहे, और आपको मैंने बता ही दिया है कि इसमें चेंज जो है वो होना ही चाहिए। ABC तीनों ऑप्शन सही माने जा सकते हैं, यानी कि ये +2 वाला क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि ये प्रश्न भी अनचेंज्ड रहने वाला है। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों की हमने चर्चा कर ली है, देख लिया है। ये प्रश्न भी मुझे लगता है सी ऑप्शन ही सही रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। कुछ बच्चे इस प्रश्न पर भी आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन ये जो टर्म है खुटिया पटेल, ये सहरिया के लिए ही यूज़ हुआ है, तो सहरिया ही सही आंसर होगा। एक प्रश्न आपका जो है वो डायोड वाला मैंने पहले बताया, वो आपका चेंज होगा। तो कुल मिलाकर आप सभी ने देख लिया कि कितने प्रश्न चेंज हो सकते हैं, कितने अनचेंज रह सकते हैं, और कितने प्रश्न जो है वो डिलीट किए जा सकते हैं। आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रिंसिपल के नोट्स लेना ना भूलिए। आपको इन नोट्स में मिलेंगे टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं, कंटेंट जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। जहाँ भी फैक्ट्स और फिगर्स या पिक्चर्स की आवश्यकता है वो दिए गए हैं, जिससे कि आप मैप के माध्यम से भी चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें, और इनको याद रखने में भी आपको हेल्प होगी। और ये बिल्कुल टू द पॉइंट है, जिससे कि आपको किसी भी तरह से आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि चीज़ें और आसान हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे जो नोट्स आते हैं उनमें कहीं भी आपको पिक्चर्स, फिगर्स या इस तरह से टेबलाइज फॉर्म में चीज़ें नहीं दी रहती हैं। तो प्रिंस सर के नोट्स अभी ऑर्डर करें, चाहे MPPSC मेंस 2021 हो, साक्षात्कार 2019 हो, चाहे MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, सेट एग्ज़ाम हो, या नायब तहसीलदार की परीक्षा हो, SI कांस्टेबल सभी के लिए प्रिंस सर का सफल मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करिए। व्हाट्सएप करिए 9685570712 पर। ओके स्टूडेंट्स, सफल मार्गदर्शन ही आपको सफलता तक ले जाएगा, और जब तक सफल मार्गदर्शन से नहीं जुड़ेंगे, सफलता के लिए परेशान होते रहेंगे। लगातार आप सभी के फीडबैक्स हम शेयर कर रहे हैं। जिस प्रकार से अन्य अभ्यर्थियों ने पहली बार में ही प्रीलिम्स निकाला है, आप भी मेंस निकाल सकते हैं, प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, अपना सपना साकार कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको भरोसा करना होगा, प्रिंस सर की बताई हुई रणनीति और उनके नोट्स टेस्ट सीरीज पर एक बार भरोसा करेंगे तो निश्चित ही सफल हो जाएंगे। फिर आप भी अपना फीडबैक भेजेंगे और दूसरे देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।